फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। और फ्रेंड्स, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है SSC बैंक या फिर CDS 1 के लिए वाईफाई स्टडी ने एक स्पेशल पेन ड्राइव लॉन्च करी है, जहां पे आप CDS के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप CDS क्लियर कर सकते हैं वाईफाई स्टडी की हेल्प के द्वारा। साथ में आप SSC बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन पेन ड्राइव SD कार्ड की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7023336 75 के ऊपर। साथ में अगर आपकी सिर्फ इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो वोकैब 24 आपके लिए अवेलेबल है, जहां पे आप प्राइम मेंबरशिप लेके पूरे ग्रामर वीडियोस, पूरे वोकैब वीडियोस, प्रीवियस ईयर के पेपर, साथ में प्रैक्टिस टेस्ट, सभी कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है। तो देखते हैं आज का अपना पहला वोकैबुलरी क्या है, वह मर्सिनरी। देखिए, मर्सिनरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है खुदगर्ज या फिर स्वार्थी। जब आप सिर्फ अपने आप की सोचते हो, बेसिक एथिक्स के बदले अगर आप मनी को प्रायोरिटी देते हो तो उसको मर्सिनरी कहते हैं। मनी ओरिएंटेड, एक्विसिटिव, अवेरियस, कोवेटस, रैपेशियस, ये सब इसके सिनोनिम है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक्विसिटिव भी इंपॉर्टेंट है और ये सारे वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम्स तो बड़े आसान से हैं और एग्जांपल देखते हैं। एंड नन इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु वुड नेवर बी व्यूड एज मर्सिनरी बिकॉज शी डज नॉट केयर अबाउट मनी। यानी जो एक नन होती है उसको कभी भी आप एक मर्सिनरी के तौर पर आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो कभी भी मनी की केयर नहीं करती है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है। जिनमें मर्सी नहीं वो लोग मर्सिनरी होते हैं। देखिए, जिनमें मर्सी नहीं है यानी कि जिन लोगों में दया नहीं है, ठीक है, जिन लोगों में दया नहीं होती ना, वो हमेशा सेल्फिश होते हैं। जैसे कि ISIS, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। भले ये लोग इस्लामिक कल्चर की बात करते हो, लेकिन इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी को हर्ट करो। ठीक है, तो जिनमें मर्सी नहीं वो लोग कैसे लोग होते हैं, बड़े स्वार्थी लोग होते हैं। ये लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। तो कैसे लोग हैं, मर्सिनरी लोग हैं। तो जिन लोगों के पास में मर्सी नहीं है, दया नहीं है, वो लोग कैसे हैं, मर्सिनरी हैं, यानी कि स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, मर्सी को मर्सिनरी से रिलेट करके। ठीक है, मर्सी का मतलब सभी को पता होता है। ठीक है, जिसकी जो दया कर सकता है, जो बहुत ही अच्छा होता है, मदद करता है, उसको मर्सी बोलते हैं। और जो मर्सिनरी कौन हुआ, जो बहुत ही स्वार्थी होता है। नेक्स्ट है स्टोक। स्टोक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एंकरेज और इंसाइट, स्ट्रॉन्ग इमोशन और टेंडेंसी। तो देखिए, कभी किसी को उकसाना, किसी को एंकरेज करना, कोई काम करने को लेके स्ट्रांग इमोशन क्रिएट करना, उसको स्टोक कहते हैं। फ्यूल, पोक, इंसाइट, स्टिर, गॉड, प्रोवोक, ये सब इसके सिनोनिम है। और यहाँ पे आपके लिए इंसाइट इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम्स क्या है, अपीज, प्लैकेट, सूथ और असौज, यहाँ पे तीनों भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, इफ समवन ट्राइंग टू स्टोक यू इनटू अ वर्बल कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज सिंपली वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। यानी कि अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है वर्बल कन्फ्लिक्ट के अंदर, तो बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप वहां से चले जाओ। वर्ब फॉर्म्स क्या है, स्टोक, स्टोक्ड एंड स्टोक्ड। अब देखिए इसके ट्रिक, बॉलर स्टोक करता है बैट्समैन को गलत स्ट्रोक खेलने के लिए। तो आपको पता ही है क्रिकेट के अंदर क्या होता है, हमेशा स्लैजिंग होती है। ठीक है, कि बॉलर क्या करता है, हमेशा उकसाने की कोशिश करता है, उसको कुछ ना कुछ बोलता है और बोल के क्या करने की कोशिश करता है, एक्साइट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि वो गलत स्ट्रोक खेले। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोक को, ये जो स्टोक है इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि बॉलर क्या करता है, स्टोक करता है बैट्समैन को गलत स्ट्रोक खेलने के लिए। गलत स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, गलत शॉट खेलने के लिए। ओके, तो स्टोक और स्ट्रोक, इन दोनों को रिलेट करके आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलस। कैलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। यानी कि बहुत ही कठोर होना, संवेदनहीन होना, उसको कैलस कहते हैं। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोचता होगा उसके बारे में, ठीक है, उनको कैसा फील हो रहा होगा, तो उसको कहते हैं कैलस। हार्टलेस, अनफीलिंग, अपैथेटिक, इंडिफरेंट, इनसेंसिटिव। और एंटोनिम्स है केयरिंग, कंपैशनेट और साथ में कंसर्न, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल, डिस्पाइट हर वेल्थ द ओल्ड लेडी वॉज अ कैलस वुमन हु नेवर गेव टू एनीवन इन नीड। यानी कि इतनी वेल्थ होने के बाद में भी जो ओल्ड लेडी है वो बहुत ही कठोर है और किसी को कोई भी पैसे नहीं देती है जरूरत पड़ने पे। रिलेटेड वर्ड क्या है, कैलेसनेस, यानी कि निर्दयता। अब देखिए इसके ट्रिक कितने आसान है, वापस से क्रिकेट से ही हम इसे रिलेट करेंगे कि कैलस, जैक कैलिस का बैटिंग कैलस थी। यानी कि जैक कैलिस के बारे में सभी को पता होगा, दुनिया के आज तक के बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं ये। बैटिंग बॉलिंग सभी में वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन दोनों को कम्पीट करते हैं। साउथ अफ्रीकन थे, तो इनकी जो बैटिंग थी ना बड़ी कठोर थी, जब ये मारना चालू करते थे तो वे रुकते नहीं थे।
ठीक है। तो जैक कैलिस का कैसे थे, जैक कैलिस कैलस थी इनकी बैटिंग, यानी कि बड़ी कठोर थी। तो हम क्या कर सकते हैं, जैक कैलिस को कैलस से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि जैक कैलिस की बैटिंग कैलस थी यानी कि बड़ी कठोर थी। ओके, बड़ी हार्टलेस थी, इनको इनको बिल्कुल भी नहीं लगता था कि बॉलर कैसा फील कर रहा होगा जब एक ओवर में आप इनके 20-25 रन मारेंगे। तो कैलिस को कैलस से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनविसेज, वर्ब है जिसका मतलब होता है कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ एज अ पॉसिबिलिटी और अ डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट। तो देखिए, किसी भी चीज़ पे सोच विचार करना, उसका संभावना का ध्यान रखना, गौर करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल, एंटिसिपेट करना, फोरसी, एक्सपेक्ट, एनविजन, ये सब इसके सिनोनिम है, जिसमें से आपके लिए फोरकास्ट, एंटिसिपेट, ये सब इंपॉर्टेंट है, और एंटोनिम्स में डिसरिगार्ड एंड इग्नोर। फॉर एग्जाम्पल, इन हिज स्पीच द न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर इनविसेज अ डे वेन प्रॉपर हेल्थ केयर वुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। यानी कि इसकी स्पीच में न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहा था, संभावनाओं की बात कर रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब प्रॉपर हेल्थ केयर अवेलेबल होगी सभी के लिए। वह फॉर्म्स क्या, इनविसेज, इनविसेज्ड एंड इनविसेज्ड। अब देखिए इसके ट्रिक, अमेरिका के वीजा के लिए इनविसेज करते हैं। तो आपको पता ही है, कोई भी अगर इंडियन किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो अमेरिका के वीजा के लिए क्या करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, संभावना का ध्यान रखते हैं कि संभावना को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे बोल सकते हैं हम इसको, वीजा को हम इनविसेज से रिलेट करके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के वीजा की क्या करते हैं, इनविसेज करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, गौर करते हैं इसके ऊपर। ओके, कि हमें अमेरिका जाना है और वहां पे काम करना है। तो आप वीजा को क्या कर सकते हैं, इनविसेज से रिलेट करके आप इसे हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि वीजा के लिए लोग क्या करते हैं, इनविसेज करते हैं, यानी कि संभावनाओं की बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर बॉटम। कॉपर बॉटम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत रिलायबल हो, कभी फेल ना हो, ट्रस्टवर्दी हो, क्रेडिबल, ट्रूथफुल, ट्रस्टी, और एंटोनिम्स क्या है, डाउटफुल, फॉल्स या फिर अनरिलायबल। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय है, जेन्युइन है, रिलायबल है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, उसको हम कॉपर बॉटम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ द कॉपर बॉटम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉसिबल टेरर अटैक्स द नेशनल थ्रेट लेवल हैज बीन रेज्ड टू अलर्ट। यानी कि जो बहुत ही विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन आई है रिगार्डिंग टेरर अटैक, उसके वजह से देश में ये सिक्योरिटी है, उसको अलर्ट पे कर दिया गया है। अब देखिए, आपको पता होगा जितने भी पावर जनरेशन है, इलेक्ट्रिक जनरेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, सब जगह कॉपर वायर्स आजकल काम में लेने लग गए हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कॉपर बॉटम होते हैं, यानी कि बड़े ही रिलायबल होते हैं। तो कॉपर के वायर कैसे होते हैं, कॉपर बॉटम होते हैं, यानी कि बड़े ही रिलायबल होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉपर को कॉपर बॉटम से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, कॉपर के वायर आपको पता ही है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो कॉपर बॉटम होते हैं, यानी कि रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। नेक्स्ट है रिड्रेस। रिड्रेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को सुधारना, रेमेडी और सेट राइट एन अनडिजायरेबल और अनफेयर सिचुएशन। किसी भी चीज को करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, सही करना, उसको हम रिड्रेस कहते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स सिनोनिम बड़े आसान है, एग्जाम्पल देखते हैं। द आर्बिट्रेटर विल ट्राई एंड रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ टू पार्टनर्स सो दैट विल बी सेटिस्फाइड अपॉन लीविंग द मीटिंग। यानी जो मीडिएटर था वो क्या कर रहा था, सुधारने की कोशिश कर रहा था दो पार्टनर्स के बीच में हालात, ताकि दोनों ही सेटिस्फाई होकर मीटिंग को छोड़ें। वह फॉर्म्स क्या, रिड्रेस, रिड्रेस्ड एंड रिड्रेस्ड, और रिलेटेड वर्ड क्या है, रिड्रेसल, यानी कि सुधार करना, और ओरिजिन कहाँ से, ओल्ड फ्रेंच वर्ड से है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, बार बार ड्रेस चेंज करके रिड्रेस करती है। तो बार बार ड्रेस को अगर कोई चेंज कर रहा है तो वो कैसे कर रही है, रिड्रेस कर रही है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, ड्रेस को रिड्रेस से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई लड़की है, पहली फर्स्ट ड्रेस उसने पहनी अच्छी नहीं लगी, चेंज करी, सेकेंड ड्रेस ट्राई करी, सही नहीं लगी, तो बार बार वो क्या करने की कोशिश कर रही है, रिड्रेस करने की कोशिश कर रही है, यानी कि सुधारने की कोशिश कर रही है। ओके, अपने आप को, तो इस तरीके से आप बार बार ड्रेस पहन रही है तो वो रिड्रेस कर रही है, यानी कि सुधारने की कोशिश कर रही है, करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से आप इसको आसान से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीसमील। पीसमील एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा या अलग अलग करके उसको यूज करना। कैटराइज बाय अनसिस्टमैटिक पार्शियल मेजर टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सिनोनिम क्या है, लिटिल एट ए टाइम, पीस बाय पीस, ओके, बिट बाय बिट, ग्रेजुअली, स्लोली, इन स्टेज, इन स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एंटोनिम्स आर सडनली। एग्जाम्पल, बिल्डिंग द पिरामिड लुक इयर्स बिकॉज द रिक्वायर्ड एफर्ट वॉज एक्सटेंसिव एंड रिक्वायर्ड पीस मील प्रोग्रेस। यानी कि जो पिरामिड जो बनाने का काम है वो बहुत सालों का है, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स बड़े एक्सटेंसिव लगते हैं और थोड़े थोड़े करके प्रोग्रेस होती है। याद करने का बड़ा आसान तरीका है, इतने बड़े मील को पीस मील करके खाना चाहिए। तो अगर देखिए, कोई इतना बड़ा मील अगर किसी को सर्व कर रहे हैं तो क्या वो एक बार में इसे खा पाएगा, और खाना क्या उसके लिए सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, इतने बड़े मील को
पीसमील करके, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इसे खाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मील को पीसमील से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि इतने बड़े मील को पीसमील करके खाना चाहिए। तो मील और पीसमील, इन दोनों को आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट नाउन है, जिसका मतलब होता है शोक व्यक्त करना, विलाप करना, रोना धोना, ठीक है। मौन, ग्रीव, बीमौन, बीविल, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एंटोनिम्स से सेलिब्रेट, लॉड, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड फर्टर्निटी लैमेंट विद द पैशन ऑफ एन आइकॉनिक एक्टर शशि कपूर। बॉलीवुड फर्टर्निटी कैसे हो गई, शोक व्यक्त किया उन्होंने जब आइकॉनिक एक्टर शशि कपूर की डेथ हो गई। वर्ब फॉर्म्स है लैमेंट, लैमेंटेड एंड लैमेंटेड, रिलेटेड वर्ड क्या है लैमेंटेशन, लैमेंटेबल, और ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड्स है। अब देखिए इसकी ट्रिक कितनी आसान है, ये मैन लैमेंट कर रहे हैं, तो देखिए कौन से मैन, ये मैन क्या कर रहे हैं, लैमेंट कर रहे हैं, लैमेंट कर रहे हैं यानी कि रो रहे हैं, तो रोने धोने को हम लैमेंट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस मैन को लैमेंट से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मैन कैसे कर रहे हैं, लैमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपके फ्यूचर में आसपास कभी भी कोई दोस्त या कोई रो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ये मैन क्या कर रहे हैं, लैमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और आप इसे हमेशा याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिट्यूड नाउन है, जिसका मतलब होता है चिंता व्यक्त करना, किसी को लेकर सहानुभूति दिखाना, केयर और कंसर्न फॉर समवन और समथिंग। किसी को लेकर कंसर्न दिखाना, केयर, अटेंटिवनेस, माइंडफुलनेस, कंसिडरेटनेस, ओके, थॉटफुलनेस, सॉलिसिटेडनेस। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सारे आसान से हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मदर ऑलवेज डिस्प्ले सम सॉलिसिट्यूड फॉर हर चिल्ड्रन, यानी कि एक मदर हमेशा क्या डिस्प्ले करती है, चिंता दिखाती है अपने बच्चों को। ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन है। ट्रिक देखिए कितनी आसान है, आपको बताइए हमारी जो सॉइल है ना, इसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बड़ा ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर सॉइल खराब हो गई किसी भी एरिया की तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हमें हमारी सॉइल को लेकर सॉलिसिट्यूड दिखानी चाहिए, यानी कि सहानुभूति दिखानी चाहिए, चिंता दिखानी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सॉइल को सॉलिसिट्यूड से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। देखिए दो बड़े हैं यहाँ पे, एक तो सॉलिट्यूड आपने सुना होगा, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलेपन, अकेलापन, ठीक है। जब आप अकेलेपन में रहते हैं उसे सॉलिट्यूड कहते हैं, लेकिन जब सॉलिसिट्यूड आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, किसी के चिंता करना, सहानुभूति करना। तो आप यहाँ पे इसको सॉइल से रिलेट करके याद कर सकते हैं, सॉलिसिट्यूड को, ओके। लास्ट वर्ड है डिस्पेयर नाउन है, जिसका मतलब है द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप। तब जब कोई पूरी की पूरी अपनी आशा खो दे तो उसको डिस्पेयर कहते हैं, डिस्पिरेशन, डिस्पोटेंसी, ग्लूम, मेलंकोली, डिसहार्टमेंट। अब यहाँ पे आपके लिए दो तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और एंटोनिम्स तो बड़े आसान है, और एग्जांपल लूजिंग हिज फादर वाज हार्ड इनफ बट लूजिंग हिज मदर वाज वन वीक लेटर कॉज्ड हिम फॉल इनटू डीप डिस्पेयर। वर्ब फॉर्म्स क्या है, डिस्पेयर, डिस्पेयर्ड एंड डिस्पेयर्ड, रिलेटेड वर्ड क्या है, डिस्पेयर, ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से। अब देखिए ट्रिक, सही पेयर नहीं मिला शू का तो बर्थडे पर डिस्पेयर हो गया। तो अगर देखिए कोई बच्चा है जिसको शू खरीदना है और सही पेयर नहीं मिला शू का, ओके, तो वो कैसा हो जाएगा, बड़ा ही निराश हो जाएगा, कंप्लीट होपलेस हो जाएगा, तो उसको हम डिस्पेयर कहेंगे। तो पेयर को आप क्या कर सकते हैं, डिस्पेयर से रिलेट करके आप इसे हमेशा याद कर सकते हैं कि सही पेयर नहीं मिला शू का तो डिस्पेयर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, मैंने कल पूछा था नॉडस का, जिसका सही आंसर है प्रॉब्लम, काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया है। आज का भी आपके सामने वर्ड गिवन है, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर कमेंट करना है। मैच द कॉलम से देखते हैं कैसे आज हमने नहीं याद किया है। मर्सिनरी, जिन्हों मर्सी नहीं वो कैसे होते हैं, मर्सिनरी होते हैं, यानी कि बड़े ही कठोर होते हैं। सेकंड है स्ट्रोक, स्ट्रोक करते हैं बैड स्ट्रोक खेलने के लिए, यानी कि उकसाते हैं किसी को, क्या करना, एक्साइट करना, ठीक है, इस तरीके से हमने याद किया था। और थर्ड है कैलस, कैलस को कैसे याद किया है हमने, कि कैलस की बैटिंग कैसी है, कैलस है यानी कि बड़े ही कठोर है, ओके। तो ये सेकंड था, और कैलस की जैक कैलस थे, ये तीसरे नंबर का था। इनविसेज, वीजा को लेकर इनविसेज करते हैं, यानी कि एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं। कॉपर बॉटम, कॉपर वायर, कॉपर बॉटम होते हैं यानी कि बड़े ट्रस्टवर्दी होते हैं। रिड्रेस, ओके, ड्रेस चेंज करके रिड्रेस करते हैं, यानी कि बार बार करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पीस मील, ऐसी मील, बड़ी मील को पीस मील करके खाना चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। और लैमेंट, ये मैन लैमेंट कर रहे हैं यानी कि रोना धोना, ठीक है। सॉलिसिट्यूड, सॉइल को सॉलिसिट्यूड करो यानी कि इसे प्रोटेक्ट करो। और डिस्पेयर, सही पेयर नहीं मिला बर्थडे पे तो डिस्पेयर हो गया, यानी कि पूरा का पूरा होपलेस हो गया। तो इस तरीके से आप इसे मैच द कॉलम से याद कर सकते हैं। कल ट्रिक बनाने के मैंने आपको फैनफेयर दी थी, जिसमें दो ट्रिक आई है, काजल जी की और राहुल जी की। काजल जी बोलते हैं सेलिब्रिटी से फैन फैनफेयर साथ मिलते हैं, और साथ में राहुल जी बोलते हैं फैन मूवी
बड़े फैनफेयर के साथ रिलीज हुई थी, यानी कि धूमधाम के साथ रिलीज हुई थी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं वो कैप को। आज के लिए आपके लिए जिसकी आपको ट्रिक बनानी है वह ओवरब्रॉथ, ओवरब्रॉथ वर्ड की आपको ट्रिक बनानी है। बहुत ही अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, आप इसे यूज भी कर सकते हैं। साथ में पैराग्राफ फॉर्मेशन में देखिए, रोहित राज जी ने और भारत सर जी ने दो अच्छे पैराग्राफ फॉर्मेशन करे हैं, उम्मीद है आप सभी भी बनाएंगे और इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा और आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वाईफाई स्टडी ने CDS 2018 के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है आप सभी के लिए। और अगर आप CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 दिन बाद CHSL के लिए भी वाईफाई स्टडी स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिससे आपको प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।